हम लोग जो है उस नियम को बदलेंगे, राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल में नहीं डाला जाएगा और वो नियम जो है हम ही लोग बदलेंगे। 75% तक के इंजीनियरों को जो है बिहार में रोजगार मिले। तो नमस्कार, अभी हम अयोध्या में है और मनीष भैया के साथ है, जो कि वाकई में लग रहा है कि अयोध्या सवाल शुरू करो, मतलब बहुत दल गए। तो हम मनीष भैया से हैं और मनीष भैया से हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो मनीष भैया जी, कल आप जैसे जेल में थे और सच्चाई पे आप बाहर निकले हैं, कल नहीं मतलब कि अभी से 20-25 दिन पहले, 25 दिन पहले कल तो आप निकले हैं। तो एक पत्रकार के लिए होता है कि वो कभी भी बिहार में आवाज़ उठाते तो उसके ऊपर FIR हो जाते हैं और उसको बंद कर दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग जो है उस नियम को बदलेंगे, बस इतना जानो। तो किसी पत्रकार को जो है जेल में नहीं डाला जाएगा, किसी भी सच्चे अच्छे और राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल में नहीं डाला जाएगा और वो नियम जो है हम ही लोग बदलेंगे। और एक क्वेश्चन और है कि बिहार से बहुत सारे इंजीनियर सभी ब्रांच में निकलते हैं, लगभग 14,000 से 15,000 पर ईयर, तो जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके बारे में क्या? 75% इंजीनियरों का, 100% तो बात नहीं कर सकता, कुछ लोग ऐसे भी निकल जाएंगे जिनको जो है नॉलेज नहीं होगा। तो उसमें से 75% तक के इंजीनियरों को जो है बिहार में रोजगार मिले, इसका व्यवस्था भी जो है हम लोग भविष्य में करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है।